कांग्रेस ने कोरोना से निपटने के लिए केंद्र व प्रदेश की बीजेपी सरकार को असफल करार दिया है। कोरोना कर्फ्यू को प्रदेश में सही तरीके से लागू नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप इसका व्यापक असर नहीं हुआ है। सरकार प्रदेश से मौत के आंकड़ों को छिपा रही है और जिस तरीके से टेस्टिंग व वैक्सीनेशन होना चाहिए था नहीं हो रहा है। ये आरोप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार पर लगाए हैं। कुलदीप राठौर ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू का ज्यादा व्यापक असर नहीं हुआ है, प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है, मौतों का आंकड़ा भी कम नहीं हो रहा है। सूचना है कि सरकार मौत का आंकड़ा छिपा रही है, टेस्टिंग की सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है। सरकार को ये भी बताना है कि जितने दिन इन्होंने कोरोना कर्फ्यू रखा उसका प्रदेश को कितना फायदा हुआ, संक्रमण कम हुआ या नहीं हुआ। हमारी तो जानकारी के मुताबिक इसका कोई व्यापक असर हुआ नहीं। मौतों का आंकड़ा ज्यों का त्यों जस का तस बना है। और ये भी सूचनाएं कि सरकार ने मौतों का आंकड़ा छुपाना शुरू किया, टेस्टिंग हो नहीं पा रही है, गांव के गांव जो है संक्रमित हुए वहां टेस्ट की कोई सुविधा नहीं है। जो टेस्ट अस्पतालों में हो रहे हैं उन टेस्टों की जो रिपोर्ट है वो हफ्ते हफ्ते बाद आ रही है, तो उसका कोई औचित्य रह नहीं जाता उन टेस्टों का। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, इसलिए हमें मजबूरन महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना देना पड़ा कि सरकार को टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए, गांव में जाकर मोबाइल वैन्स के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग होनी चाहिए और वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जिस ढंग से वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन को लेकर हाय तौबा मची, दो दो तीन तीन पाँच मिनट में स्लॉट्स जो है बुक हो जाते थे और जिनका रजिस्ट्रेशन में नाम आया उनको भी अपने घर से जाके दूसरी जगह पे दूर स्थानों पे जो है उन्हें टीका के अंदर आवंटित हुए। तो अपने आप में ये एक मैं समझता हूँ सरकार की नलायकी का बहुत बड़ा प्रमाण है। इनके पास पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध नहीं है। शुरू में 1,07,000 के करीब टीके आए और हमारा ये मानना है कि अगर आपको केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में टीके उपलब्ध नहीं है तो आप ग्लोबल टेंडरिंग कीजिए, बाहर से टीके मंगवाइए और लोगों की जान की हिफाजत करना सरकार का दायित्व है। देखिए ये बाबा रामदेव कौन है वो पूरा देश जानते हैं। मुझे ना तो उनके काम से आपत्ति है लेकिन उनके जो तौर तरीके हैं और उनके बड़े बोलेपन से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ है। आयुर्वेद का एक अपना स्थान है और हमें इस बात की खुशी है कि इस देश ने पूरे विश्व को आयुर्वेद दिया। योग की एक अपना महत्व है और ये कोई योग इसका अन्वेषण बाबा रामदेव ने नहीं किया, ये आदिकाल से चला आ रहा है। और योग को लेकर किसी भी आपत्ति नहीं। मैंने बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं उनको भी कहते हुए सुना है कि योग स्वास्थ्य के लिए ठीक है, लेकिन आज जिस ढंग से बाबा रामदेव के जो बयान आ रहे हैं, जिस ढंग से वो एलोपैथी पे जानबूझकर हमला कर रहे हैं वो एक सोची समझी रणनीति के तहत है। बाबा रामदेव वास्तव में एक व्यवसायी हैं जिन्हें अपना कारोबार बढ़ाना है
इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। पहले उन्होंने स्वदेशी का नारा दिया और अब वो एलोपैथ के खिलाफ बोल रहे हैं। कितने पढ़े लिखे हैं वो तो मुझे जानकारी नहीं, हमेशा विवादास्पद रहे। सही और सटीक खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए TSR डिजिटल टीवी। TSR डिजिटल टीवी, ओपिनियन टू इंपैक्ट।